हेलो हेलो सर, गुलाब जी बात कर रहे हो? जी सर, कहाँ अमन बात कर रहा हूँ, ये जियो फाइबर से कैथल ऑफिस से। कैथल से जी? ऑफिस से जी, जियो फाइबर से। कैथल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपकी एक रिक्वेस्ट आई थी सर, जियो को वाईफाई लगवाने के लिए डाले होगी जी आपने। वाईफाई ऑलरेडी मेरे पास वैसे तो है, लेकिन मैं जियो का सोच रहा हूँ। अगर कुछ ऑफ आ रहा है जियो में, मेरे पास कोई मैसेज आया था कि 1 ईयर के लिए ये चीजें फ्री आ रही हैं, क्या कुछ है जी उसमें? पहले कौन से वाला वाईफाई यूज कर रहे हो आप? नेट प्लस है कोई? नेट प्लस का? हाँ जी, ओके, अपने वाला का जो बेस प्लान है सर वो रहेगा 706 रुपये महीना रहेगा जी, 706 रुपये। हाँ जी, जिसके अंदर आपको 30 Mbps की तो स्पीड मिलेगी, टीवी हाँ जी, के सारे चैनल्स मिलेंगे यूज करने के लिए, दो हाँ जी, दो OTT एप्लीकेशन मिलेंगे। हाँ जी, हाँ आपने फर्स्ट टाइम सिर्फ 3 महीने की पेमेंट देनी है 2120 रुपये। राउटर मॉडम वायर सेटअप जो भी सामान लगेगा सब कंपनी का रहेगा जी, ठीक है। ठीक है और जी, रही बात, आपने जो ऑफर देखा था वो है अपना दिवाली का बम्पर ऑफर आया हुआ है अभी, वो हाँ जी, प्लान पड़ेगा आपको 2222 रुपये का। आपको सिर्फ 100 रुपये एड और करके 2222 रुपये का पड़ेगा, अगर उसके अंदर निकलेगा सर अपना लकी ड्रॉ, हाँ जी, ठीक है। अगर उसके अंदर आपका नाम आ जाता है तो आपको 1 साल तक का रिचार्ज फ्री मिल सकता है सर। अच्छा, वो तो सिर्फ लकी ड्रॉ के बेस पे है। हाँ जी, हाँ जी, वैसे 3 महीने का 7 × 21 और 6 × 18, 21 समथिंग कुछ पड़ेगा हाँ, अपने को, है ना? 2120 रुपये का पड़ेगा सर आपको। हाँ ओके जी, तो जी, पूरे ये 3 महीने का तो चलो 2120 का हो गया, पूरे साल का कितने का पड़ेगा? साल का सर आपको पड़ेगा 8481 रुपये का। 8400, वो भी चलो कर लेंगे, लेकिन ना अपने को ना नेट की स्पीड मिल जाए OTT की बजाय। OTT की इतनी जरूरत नहीं रहती। OTT तो सर मिलेंगे इसके अंदर, जो इंक्लूड है मैं वही बता रहा हूँ आपको। वैसे एक बार ये बताओगे आपने यूज क्या क्या करना है? अपने को तो मेन्स यही है, ऑफिशियल यूज के लिए है अपना, कोई मतलब ये टीवी स्ट्रीमिंग वगैरह ये नहीं है अपना, तो जस्ट कि ऑफिस का काम चलता रहे। ओके, देखो हाँ सर जी, मेरे हिसाब से तो 30 Mbps सफिशियंट रहेगी आपको, एक बार यूज करके देख लीजिएगा। जो पहले नेट हाँ प्लस का जी, आप यूज कर रहे हो वो कितने Mbps की स्पीड आ रही है उसकी? उसको भी चेक ही नहीं की मैंने। हाँ, अच्छा, सही चल रहा है वैसे वो। अच्छा चल रहा है, बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर देखो मैं बता देता हूँ, जो अपना 30 Mbps वाला वो है, इसके अंदर आपके 2 TV, 4-5 मोबाइल, एक या दो हाँ लैपटॉप जी, बड़े आराम से चल जाते हैं सर बिना बफरिंग के। हाँ बिना बफरिंग के। जी, अगर फिर भी और आपको, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार यूज करके देख लीजिएगा 30 Mbps का। अगर हाँ आपका जी, 30 Mbps में काम नहीं चल रहा है तो आप एनी टाइम जब मर्जी इसको अपग्रेड कर सकते हो 100 Mbps पे। 100 वाला प्लान कितने का है? तो वो पड़ेगा सर 100 वाला आपका 1060 रुपये मंथली का जी। 1060 रुपये मंथली, और इसमें भी OTT एप्स रहेंगी। हाँ, सारी चीजें इंक्लूडेड है सर इसके अंदर, आपको 100 Mbps की स्पीड मिलेगी, 3800+ चैनल मिलेंगे, 4K क्वालिटी का सेटअप बॉक्स मिलता है, अगर आपका टीवी नॉन स्मार्ट है तो उसको स्मार्ट में कन्वर्ट कर देता है, हाँ और जी, राउटर मॉडम वायर सेटअप सभी इसमें भी सब कंपनी का रहेगा। नहीं, और राउटर टीवी को स्मार्ट कैसे बना देगा? जो सेटअप बॉक्स है ना सर वो 4K क्वालिटी का है, एंड्रॉइड है ओके ओके ओके, अच्छा वो आप उसको एक बार जब टीवी के साथ अटैच करोगे तो अपने आप ही वो हो जाएगी, स्मार्ट हो जाएगी जी वो। टीवी के साथ अटैच वाया HDMI या कोई और? HDMI के साथ होगी सर, वो भी जो सामान लगेगा सब अपने आप ही लड़का लेके आएगा जो आपके घर पे लगाने के लिए आएगा, अच्छा आपने जी, अलग से कुछ भी परचेज नहीं करना। चलो ठीक है जी। इसमें ये मतलब बाकी चीजें फ्री रहेंगी, सिर्फ 2100 रुपये देना है 3 महीने का, जी 2120 रुपये। जी वो गांव और गांव में चल जाएगा ये, अगर गांव में लगाना हो तो? कहाँ पे है सर, गांव कौन से गांव में लगवाना है? हाँ, दुसेरपुर गांव पड़ता है, लोकेशन शेयर कर दूंगा मैं आपको। कोई बात नहीं, एक बार इसी नंबर पे आप लोकेशन भेज दीजिए, मैं आपको चेक करके बता दूंगा सर, ठीक है। हाँ, ये क्योंकि तो यहाँ अपने पे जी चीका चीके एरिया में है ना? है तो चीकागुला एरिया में, लेकिन यहाँ पे जियो की नॉर्मल रेंज नहीं रहती, जियो की रेंज कटती रहती है यहाँ पे, कभी आ जाती है कभी नहीं। एक बार आप लोकेशन शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो आप रेंज की बात कर रहे हो वो ओपन नेटवर्क होता है सर, ये फाइबर से अलग ही होता है इसका सिस्टम। हाँ ओके, जी, और
जैसे आज मैं घर पे लगवा लेता हूँ, क्योंकि 2-3 महीने का मेरा प्लान रहता है नेट प्लस वाला। तो बाद में मैं इसको अगर उठा के लोकेशन चेंज करना चाहूँ कि अपने ऑफिस में ले जाना चाहूँ, ले जा सकता हूँ। लोकेशन कहाँ की है सर आपकी? लोकेशन गोला में ही है, लोकेशन भी मेरी तहसील कॉम्प्लेक्स है जो गोला का उसके अपोजिट है। हाँ हो जाएगी सर, वहाँ भी इसका रिलोकेट का ऑप्शन भी रहता है, आप अपने पूरे हरियाणा में जहाँ मर्जी शिफ्ट कर सकते हो उसको। नहीं, खुद कर सकते हैं या कोई टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा वो इसके आपको लिए? रिलोकेट का इसके अंदर एक बार वो करना पड़ेगा, वो आपकी रिक्वेस्ट रहती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। हाँ अच्छा, खुद कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं जी है। जी एक बार मैं ब्रदर लगवा के देखूंगा, अगर मेरा यहाँ पे काम चल गया ओके और घर पे चलता रहा तो फिर मैं इसको 700 कुछ वाले को, मुझे क्योंकि घर पे इतनी ज्यादा फास्ट की जरूरत नहीं रहती, ठीक ठाक भी अगर चलता रहे ना तो मैं इसको चलाता रहूंगा, फिर घर पे ही चलाता रहूंगा। मैं ज्यादा टेंशन नहीं लूंगा कि इसको बाहर लेके जाना या कहीं और लेके जाना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और अगर इन केस 3 महीने 4 महीने में हमको पसंद नहीं आता तो क्या हम इसको बंद भी करवा सकते हैं? हाँ डिस्कनेक्ट करवा सकते हो सर, इसके अंदर आप रिचार्ज ना करवाओ, आप बंद ही रहता सर ये तो। इसका ये अच्छा भी है अच्छा कि जी आप अगर आपने अगर जैसे रिचार्ज खत्म हो गया, आप इसको यूज नहीं कर रहे, तो इसका ये नहीं है कि अच्छा ऑटोमेटिक आपका बिल बनता रहेगा। अच्छा ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है। हाँ जी, रिचार्ज कहाँ से, किसी भी शॉप से करवाना पड़ता है या नहीं आप ऑनलाइन आप अपने ही? खुद के फोन से कर सकते हो सर, माई जी ऐप के अंदर से ही। हाँ ओके ओके ओके, ये तो बड़ा अच्छा है अगर आप खुद कर सकते हैं तो। जी प्लीज फिर ये ना आप थोड़ा सा मतलब मेरी लोकेशन पे रेंज वगैरह चेक कर लो या लगा दो एक बार, आप एक बार मतलब सर लोकेशन शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको कुछ आगे का बता पाऊंगा। ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे ना सिर्फ ये बता दें कि भी क्या कहते हैं 21 और हिडन चार्जेस तो नहीं है ना? सिर्फ आपने 2120 रुपये देने हैं, इससे अलग कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस अगर कोई आपसे मांगता है किसी भी हाँ तरह जी का तो मेरे साथ बात करवा दीजिएगा सर उसकी। ठीक है, आपके पास इंजीनियर आएगा लगाने के लिए, अगर कोई अलग से चार्जेस मांगता है तो मेरे साथ बात करवा दीजिए, मैं अपने आप ही हैंडल कर लूँगा। हाँ मैं कोई भी मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दूंगा ब्रदर, बस ये चीज नहीं देखनी है। है ही नहीं सर, इससे अलग कोई हिडन चार्जेस है ही नहीं इस चीज़ के कोई भी। अच्छा, ओटीटी ऐप वगैरह नॉर्मल टीवी पे भी फिर ये चल जाएंगी सेटअप बॉक्स के थ्रू? हाँ जी हाँ जी, टीवी तो आपका जैसे एलसीडी होगी जैसे पुरानी होती थी। हाँ घर पे तो एलसीडी है लेकिन ऑफिस में स्मार्ट टीवी है। बस ठीक है, घर पे जो एलसीडी आपकी वो स्मार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक ही, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है जी, ठीक है ब्रदर। तो मैं आपको इसी नंबर पे, अपनी क्या नाम बताया, सेव कर लेता हूँ मैं इस नंबर को, और आप मेरा नाम अमन है सर। ठीक है ब्रदर, मैं लोकेशन शेयर करता हूँ आपको, ठीक है सर, भेज दो लोकेशन, भेज वो करंट लोकेशन कंफर्म। भेजना एक बार। ठीक है, ठीक ठीक है जी। है सर, थैंक।